अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम लोग हुबली शहर के गौसा टाउन में मौजूद है। हर साल की तरह इस साल भी मुहर्रम के मौके पर गौसा टाउन के नौजवान ने मोहल्ला की जानिब से खिचड़े का एहतमाम रहता है और इस मौके पर मोहल्ले वाले और यहाँ के हमारे एक बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद है, आइए उनसे रब्ता करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारे ओल्ड हुबली गौसा टाउन से बात कर रहा हूँ। हमारी गौसा टाउन की जमात की तरफ से आज जो गौसा टाउन में खिचड़े का एहतमाम किया गया है, बहुत जोर शोर से हर साल किया जाता है। इस साल भी हर अच्छी तरह से सब हमारे गली के बच्चे लोग नौजवान ने किया है। इनका ताउन हम लोग सब जमात वाले हमारे गली मोहल्ले वाले ये जो गरीबों के लिए बहुत ये एहतमाद रखता है और इस मौके पर सब लोग हमारे गली के नौजवान शुक्राना बहुत हल और रात भर मेहनत करके खिचड़ा बना के लोगों को नियर 5 क्विंटल का खिचड़ा बना के सब लोगों को खिलाया है। ये इसके लिए सब लोगों की दुआ हमारे गली मोहल्ले वाले को नौजवानों को चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहु। जैसे कि आप सब जानते हैं कि याद है सौदाए करबला के सबके, हम सब लोग हर साल की तरह इस साल भी खिचड़ा करते हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह। आप सबको मालूम है मुहर्रम का महीना चल रहा है, हम सब बच्चों ने मिलके, बड़ों ने मिलके, सब जने मिलके ताउन करके खिचड़े का एहतमाम किया है। जैसे जैसे बड़े बड़े लोग आए, हर चीज के, हर गली से, हर मोहल्ले से लोग आए, हम सबका शुक्र अदा करते हैं और हमारे काम को अंजाम दिए। बच्चे लोग का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं जो जो हमारे साथ मिलकर काम करे, जो जो हमारा हाथ बढ़ाए, हम सबका शुक्रिया है। रात सारी बैठ कर बच्चों ने खिचड़ा बनाया, पकाती का भी शुक्रिया, बच्चों का भी शुक्रिया, जमात वालों का भी शुक्रिया, जो जो हमें ताउन के उनका भी शुक्रिया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी आए न्यूज वाले, हमारा हमारा पूछे, हमारे बारे में पूछे, हमारे खिचड़े का एविडेंस करे, लाइक दिखाए यूट्यूब में वगैरह दिखाए। करबला की कहानी में कत्ले आम था लेकिन हौसलों के आगे हर कोई गुलाम था। करबला के कहानी में कत्ले आम था लेकिन हौसलों के आगे हर कोई गुलाम था। खुदा के बंदे ने दी कुर्बानी जो आने वाली नस्लों के लिए पैगाम था। रहमतुल्लाह वरकातो। हर साल जैसे कि हम लोग खिचड़ा करते हैं, इस साल भी हम लोग ने किया है। जो भी लोग आए इनका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं, हमारे नौजवान भाइयों का भी बहुत शुक्रिया करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।